नमस्कार, मैं संभव शुक्ला। अभी हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश की स्मार्ट सिटी लखनऊ में, और अभी आप देख सकते हैं एक शहीद पथ, जो यहाँ पे फ्लाईओवर शहीद पथ के नीचे मैं खड़ा हूँ। और लखनऊ की स्मार्ट सिटी ऐसी है कि यहाँ पे कुछ परिवार ऐसे भी रहते हैं जिनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद भी उनको सरकारी सुविधाएं नहीं मिलती है। ऐसे में उनके पास घर नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है और रहने के लिए घर नहीं है। अगर ये उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो इनके पास ये व्यवस्थाएं क्यों नहीं है? और हम अपने चैनल पे लाइव आके ये चीज़ आपको इसलिए दिखाना चाह रहे हैं क्योंकि आप जानिए कि जो उत्तर प्रदेश को स्मार्ट सिटी कहा जाता है उसकी स्थिति ये भी है। आइए हम यहाँ पे बात करते हैं। क्या नाम आपका अम्मा? खैतून। क्या नाम अम्मा आपका? खैतून। कहाँ से हैं आप? उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं? हाँ। तो फ्लाईओवर के नीचे क्यों रहती हैं? क्या करें, पैसे अब उन्हें कोई है ना, तो वहाँ है ना कोई, कैसे रह जा जाके घर और नहीं है, नदी काट काट ले गया तो। नदी काट ले गया? हाँ, बिहार में सब पानी आ गया, कहाँ रह जा, घर और दह गया। अच्छा 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 अच्छा, आप बिहार से आई हैं? जी। अब यूपी की हो गई, आपके बच्चे सब यूपी के, सारे कार्ड वगैरह सब आप सब यूपी के? हाँ। अच्छा, वहाँ से आप लोग यहाँ आए हैं? हाँ, हाँ। आप उत्तर प्रदेश में आप रहते हैं, उत्तर प्रदेश लखनऊ में, तो आप फ्लाईओवर के नीचे रहते हैं, तो क्या कभी यहाँ का विधायक, यहाँ के पार्षद आप लोगों तक कभी भोजन, इस लॉकडाउन में भोजन कभी पहुँचाने की कोशिश की आप लोग? नहीं, नहीं मिला। कभी नहीं मिला? कभी नहीं मिला। और सारी सुविधाएं? और कोई सुविधा नहीं है भैया यहाँ। क्या कह रही हैं? कोई सुविधा नहीं मिलती है। अच्छा, और जब आते हैं तो अधिकारी हटाते हैं, यहाँ से भगा देते हैं नए नए बच्चे, इनको पानी भर जाता है तो लेके भागना पड़ता है। सर, आपको मैं बता दूं, यहाँ जब मैंने बात की तो ये लोग कई सालों से उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं और कुछ लोग गोरखपुर यूपी से भी रहने वाले हैं। यहाँ पे गोरखपुर से कौन रहता था यहाँ? कुछ लोग जो उत्तर प्रदेश, आप भी यहीं रहती हैं फ्लाईओवर के नीचे? हम डालीगंज की। अच्छा, डालीगंज लखनऊ की हैं आप? आप इसी लखनऊ की हैं? तो ये बताइए, आप डालीगंज लखनऊ की हैं तो सारे कागज वगैरह आपके लखनऊ के होंगे, तो क्या कभी विधायक या पार्षद या कोई नेता या कोई अधिकारी आप लोगों तक भोजन पानी की व्यवस्था करने आया? नहीं, कोई नहीं आता। नहीं आया? नहीं, कोई आता तो हटा भगा देते तुरंत, जाओ भागो यहाँ से। अच्छा, कोई आता है तो आपको भगा दिया जाता है? अच्छा, तो ये बताइए, आपको जब भगा दिया जाता है तो आप लोग जाते कहाँ हैं? आप लोग पास घर तो है नहीं, ये फ्लाईओवर के नीचे आप लोग रहते हैं, तो आप लोग जब कोई नेता आता है, बड़ा नेता, तो आप लोग को भगा दिया जाता है, तो आप लोग कहाँ जाते हैं? रोड पे बैठे रहते हैं, सही, तब चले ही जाते, तब भाग आते ही धीरे। अच्छा, रोड पे आप लोग बैठे रहते हैं, जब कोई बड़ा नेता आता है तो इन लोगों को इस फ्लाईओवर के नीचे से भी भगा दिया जाता है, और उसके बाद इसलिए भगा दिया जाता है ताकि ये झोपड़पट्टी, मैं आपको दिखा दूं, ताकि ये झोपड़पट्टी है, बेचारे फ्लाईओवर के नीचे जो आप देखेंगे लाइन वाइज ऐसी झोपड़पट्टी डाली हुई है और लगातार जो है ऐसी झोपड़पट्टी में लोग रहते हैं, और अगर कोई नेता या कोई बड़ा अधिकारी आता है तो इन लोगों को, इन झोपड़पट्टियों को छुपाने के लिए इन लोगों को भगा दिया जाता है, और ये लोग अपने छोटे छोटे बच्चे के साथ, एक बार इनके बच्चे को दिखाने की कोशिश करें, और तमाम ऐसे बच्चे हैं छोटे छोटे और जिनका भविष्य ये फ्लाईओवर के नीचे तय होता है। कहने के लिए बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े अधिकारी उत्तर प्रदेश में है, अगर ये उत्तर प्रदेश के निवासी, कोई गोरखपुर का है, कोई कहीं का है, कोई कहीं का है, कोई बिहार से अपना जो है वहाँ बाढ़ आ गई, उनकी जमीनें डूब गई, नदी में उनका घर बह गए, उसके बाद उनका परिवार बिहार आ गया, यहाँ के उनके सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके बावजूद भी प्रशासन इनकी क्यों नहीं सुनती है? ज़्यादातर परिवार यहाँ उत्तर प्रदेश का ही है, उसके बावजूद भी अगर ये लोग शहीद पथ के नीचे, फ्लाईओवर के नीचे रहें, तो ये उत्तर प्रदेश सरकार पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है। और आइए हमारे साथ कुछ और भी लोग इनसे बात करें। समझाएंगे आपको ऐसा बाबू कि आज 34 साल पहले से मैं यहाँ रहता हूँ, जो कि पुल नहीं बना था, एक जो है पेड़ भी नहीं लगा था, नाला भी नहीं बना था, मैं यहाँ पर रहता हूँ 34 साल पहले, जब इंदिरा गांधी और राजीव गांधी मरे थे, तो हमको नगर निगम जो है हमेशा यहाँ छटा के वहाँ घुसका देती है, वहाँ छटा के वहाँ घुसका देती है,
पुल भी जब बन रहा था तो हमको 14 महीना जो इसमें जो ड्यूटी कराए कहे तो पुल के नीचे रहो। अब जो है पुल के नीचे रहता हूँ तो मेरे जो है बच्चों को जो है हमेशा जो है परेशान किया जाता है कि तुम यहाँ नहीं रहोगे। अच्छा अच्छा ठीक ठीक बहुत बड़ी बात। ये जब पुल बनाया आपने तो आपने पुल बनाया है? हाँ, हम इसमें लेबर काम करते आप थे इस पुल में लेबर काम किए? हाँ बाबू। अच्छा इस पुल में लेबर काम किए तो जब इस आपको पैसा मिला होगा उसका? हाँ पैसा मिलता था, दिहाड़ी मिलता था। तो दिहाड़ी जब आपको मिलता था वो लोग जब तक आप काम की तब तक इसके नीचे आपको रहने लिया जाता था। अब आपके परिवार को परेशान किया जाता है? अब हमारे परिवार को इतना परेशान किया जाता है कि चाहे पुलिस हो चाहे नगर निगम हो चाहे पुल वाले हो, उधर हमारे बच्चे रहते हैं, हमारे जो पूरा फैमिली है कम से कम जो 17 लोग रहते हैं। हमारा ये भी लड़का, हमारी बीवी है, अब जो लड़के हैं, हाँ ये जो सामने आपके पीछे लोग खड़े हैं, ये सब हमारे सामने ये सब बेचारे रहते हैं। हमको इतनी परेशानी होती है कि कोई यहाँ हम लोग के चाहता नहीं है, कहता झोपड़ी हटा लो तख्त हटा लो ने सब हम लाद ले जाएंगे। हम लोग के बाबू कोई हम लोग के जो है खेती गृहस्थी गाँव हमारा आजमगढ़ पड़ता है। अच्छा गाँव आजमगढ़ आपका है? आजमगढ़ पड़ता है आपका घर आजमगढ़, ये आपके अच्छा चिचरिया कोट में देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश आजमगढ़ के रहने वाले लोग हैं, इनको भी ऐसी व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही है। कहने के लिए अभी तमाम लोग कह देंगे कि ये लोग बाहर से आए हैं, बाहरी विदेशी हैं, बांग्लादेशी हैं, पर ये लोग कोई आजमगढ़ का है, कोई गोरखपुर का है, कोई देवरिया का है, कोई मऊ का है, उसके बावजूद भी इनको पहले काम करवाया जाता है, बेवकूफ बनाया जाता है, कहा जाता है कि आपको रहने के लिए घर। अच्छा ये बताइए आप पढ़े लिखे लग रहे हैं, कभी आपने प्रधानमंत्री जो योजना के तहत मकान मिल रहा था उसको आप लोगों ने भरने की कोशिश की? पहले तो लाला देते हैं, फ्री सेवा दिया जाएगा मकानों का, जब ये टेंडर जो निकालते हैं ऐसे टेंडर निकालते हैं जो आदमी के पास कोई आईडी नहीं है, जब टेंडर पूरा जाए तो फॉर्म पूरा भर दिया जाता है, उसके बाद जब फॉर्म पूरा ओके हो जाता है तो कहते हैं 25,000-50,000 जमा करना पड़ेगा, तो गरीब आदमी कहाँ से देगा 25,000-50,000। अच्छा पहले तो इन लोगों को लालच में दिया जाता है कि योजनाएं हम फ्री निकाल रहे हैं, और योजनाएं जब ये लोग फार्म भर देते हैं कैसे ना कैसे करके, उसके बाद इन लोगों को 25,000-30,000 रुपये जमा करवाया जाता है, इनसे 25,000-30,000 की मांग की जाती है। तो ये गरीब आदमी झोपड़पट्टी में रहने वाला आदमी, मैं आपको झोपड़पट्टी इनके दिखा दूं, ये झोपड़पट्टी में रहने वाला आदमी कहां से लाएगा 20,000-25,000 रुपए? और मैं आपको इसके नाला दिखा देता हूं, और ये मेरा लाइव आने का मकसद यही है कि उत्तर प्रदेश की स्मार्ट सिटी है अगर, तो इतना परिवार यहां पे क्यों भूखे प्यासे पड़ा हुआ है? कहने को अभी लोग कह देंगे कि ये लोग बांग्लादेशी हैं, ये लोग पाकिस्तानी हैं, ये लोग तमाम देशों से आए हैं। देखिए कितना गहरा नाला है, उत्तर प्रदेश के इनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, 90% लोग 95% लोग उत्तर प्रदेश के ही हैं, उसके बावजूद भी इन लोगों को वो सुविधाएं क्यों नहीं मिल रही है, मैं पूछना चाहता हूं सरकार से। अच्छा तो अभी एक महीना पहले लोग हाईवे वाले हटाने के लिए, तो फिर कुछ लोग हमको फोन किए तो मैं आया उनसे बात किया। अच्छा ये एक चीज, आप मानवा अधिकार सुरक्षा परिषद में भी हैं? हाँ, संसद में हूँ मैं। अच्छा तो संस्था है आपकी? हाँ। तो ये संस्था में आप हैं? हाँ। तो ये बताइए आप भी इसी फ्लाई नीचे रहते हैं? मम्मी पापा हमारे यहाँ रहते हैं, बाकी मैं खरगापुर रहता हूँ। मम्मी पापा जब हमने 50 बार बोला चलिए वहीं हो रही है हमारे साथ, तो इन्होंने कहा बैठे जब तक मेरी इच्छा तब तक मेरे यहाँ रहने दो, काम धंधा भी अपना करते हैं, मम्मी मेरे काम करती नहीं। तो ये बताइए कि जब आप से ठीक है आप भी जहाँ रहते हैं आप भी तो ऐसी जगह पे रहते होंगे, माँ बाप यहाँ रहते हैं, तो ये बताइए जब इन लोगों को फ्लाईओवर जब बन रहा था तो इनका यूज किया गया, उसके बाद और जो ये योजनाएं निकलती हैं, आपने जैसे बताया कि 25,000-30,000 आप लोग मांगा जाता है, कौन मांग रहा 25,000-30,000? भाई बैंक में लगाना पड़ता है कागज, ये बैंक द्वारा काम होता है लोन का। अच्छा लोन लेने के लिए? चलिए ये तो बहुत ही गलत बात है। माता जी आप कहाँ से हैं? हमारे भैया और लड़का। अच्छा आप इन्हीं की बीवी? हाँ। अच्छा अच्छा चौका बासन करते हैं, कोठे में पुल के नीचे रहते हैं, पेट पालते हैं। शुरू से 30 साल। आप भी आजमगढ़ की हैं? हाँ, ये सब मेरा ये आदमी है, वो मेरा बच्चा है, अदू बहुरिया लड़की नतनी हुआ खड़े तो ऐसे ही गुजर हम लोग कर रहे हैं, सरकार का सुनवाई नहीं होती है, गरीब आदमी के भगाए जाता है। कहाँ से कमाई जा कहाँ से खाई जा, काम कहीं लगते कहीं लगते नहीं है, भूखे रही है बताइए। ठेकान रहने के हम लोग नहीं बैठे, मगर बाबू झोपड़ी बना दिए, झोपड़ी आके तोड़ देते हैं। आप भी आ गया, ये तोड़ देते आप भी आ गए। अच्छा आप पेट से हैं तो अस्पताल में जाती हैं, सरकारी सुविधाएं अच्छी तरह मिलती हैं या नहीं मिलती? नहीं सर सुविधा नहीं मिलती है, मिलती भी है थोड़ी बहुत तो पर्चा बनाने के दाएं उसने लड़ पड़ती है नर्स लोग,
लड़ाई कर बैठती है, जब जाओ वहाँ तो दवाई भी नहीं जल्दी देती। अच्छा हाँ, देखिए कि ये पेट से हैं और फ्लाईओवर के नीचे ही रहती हैं। सरकारी अस्पतालों में अगर आप जाएंगे, अगर आपके पास सोर्स है, पैर भी है, अगर आपके पास संपर्क है, तो आपका इलाज ऐसे होगा जैसे प्राइवेट हॉस्पिटलों में होता है। और ये अगर मेरी गरीब बहन अपने इलाज के लिए जाती है तो पर्ची बनवाने के लिए भी नर्सेज, जो सरकारी अस्पताल की नर्सें होती हैं, वो इनसे झगड़ा कर देती हैं, इनसे बहस कर देती हैं। इनको वो सुविधाएं नहीं मिल पाती जो सुविधाएं सोर्स पैरवी वाले लोगों को मिलती है। तो ऐसे में ये स्मार्ट सिटी है या नहीं, ये आप लोग तय करिए।